भाई साहब इडली खाने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे को ये लगता है, इडली उठाओ, इसमें पूरा डिप करो चम्मच से अंदर तक, और फिर जायके के साथ खाओ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं हूँ मेरे धीरू भाई के साथ। पप्पन भैया को देखो कहाँ घुस के बैठे हैं, जाले में पैक हो गए हैं। धीरू ने कैद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं, सुबह सुबह सफाई कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं एक बढ़िया सी जगह, वीडियो में बने रहना और चल के दिखाते हैं वो जगह। कान कैसे हो रहे भाई? अच्छा, मास्क की वजह से हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहना वीडियो में, मजे लीजिए इसके वीडियो का। देर के लिए हम लोग यहाँ रुके थे, और हमारे साथ है हमारे अमित भाई भी, ये भी साथ दे रहे हैं आज के इस वीडियो में। और तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, एंजॉय कीजिए। तो ये है दोस्तों वो नज़ारा, यार शानदार नज़ारा है यार। अभी हम लोग जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पहुँचे नहीं हैं, और ये रास्ते का जो नज़ारा है मैंने सोचा आप लोग के लिए कैद किया जाए हमारे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ खड़े हमारे धीरू भाई और अमित भाई, बस इतना ही, चलते हैं आगे। वहीं सब जगह तो एक नंबर लगी हम लोगों को, और सबसे अच्छी बात आज मौसम भी ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम लोग निकल रहे हैं आप सुजवाई के लिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे, सोचा आप लोगों के लिए यहाँ का नज़ारा कैद कर लूँ। तो ये सब था यहाँ का नज़ारा, बड़ा मज़ा आ रहा है सुबह सुबह घूमने में। तो सब सीधा वहीं चलते हैं, और कैसे पहुँचना है वो जानकारी भी आपको इस वीडियो में दूंगा, बने रहिए। अभी तो वीडियो की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए नजारे बदल जाएंगे। ये है तिगरा का वाटर प्लांट, और हम लोगों को जाना है ये रास्ता। काफी ऑफ रोड है, पर ऐसी दिक्कत नहीं आएंगी, बाइक आराम से जा सकती है और फोर व्हीलर भी। तो दोस्तों ये है सुजवाया का मेन रोड, जो रास्ते में हमें देखने को मिला, यहाँ से 4.5 किलोमीटर, पर जिस स्पॉट पे हम लोगों को जाना है वो सामने दिख रहा है, वो लगभग 1 किलोमीटर होगा। चलो अमित भाई चले यार, बिल्कुल आगे रास्ता हम यहाँ से तय करेंगे। ये पूरी ऑफ रोड है, और यहीं से हमें गाड़ी चला के आगे जाना है। बाइक बहुत आसानी से जाती है इधर पे, और कार भी आपकी, अगर आप कार से आते हैं तो। दोस्तों वो जगह जिसके लिए हम निकले थे ग्वालियर से, अब हमारी यहाँ से होती है वीडियो स्टार्ट। तो पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, वाह वहाँ पानी ही पानी है, और इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारे पहाड़ और चट्टान वगैरह देखने को मिलेंगे, दिखाते हैं आपको। We'll be right back.
वगैरह पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही हम लोग को इस तरह के कुछ नज़ारे देखने को मिले। यहाँ सामने खेती हो रही है, बारिश के समय ये पूरा एरिया डूब जाता है और ये पीछे इस तरह की है पहाड़ी। यहाँ पे गर्मी के कारण यहाँ पे पानी सूख चुका है, बारिश के समय ये पूरा लबालब हो जाता है, एकदम भर जाता है पूरी तरह से। और आगे की तरफ पानी काफ़ी है तो हम लोग आगे की तरफ जाके आपको नज़ारे दिखाते हैं। बने भाई, मौसम आज बहुत बढ़िया साथ दे रहा है अपना। गर्मियों में आते ना तो भुन जाते हैं आज, क्योंकि दूर दूर तक आप देख रहे हैं पेड़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बारिश के समय यहाँ पे पूरा लबालब पानी भर जाता है, इसलिए पेड़ों की व्यवस्था नहीं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ये वो नज़ारा है, हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। अगर आप मच्छी पकड़ने का या फिशिंग का शौक रखते हैं तो आपके लिए एक नंबर जगह है। ये देखिए दोस्तों, नीचे उतार दे आगे रास्ता है क्या भाई? पहली बार आए, पूछना चाहेंगे अमित भाई से कैसा लग रहा है? मजा आ गया मेरे को, तो ऐसा लग रहा है कि मैं लद्दाख आ गया हूँ। वाह वाह वाह, मेरा फेवरेट जगह है। वाह वाह, ज्यादा नहीं हो गया लद्दाख? ये देखिए भाई साहब, नजारे देखिए, नजारे, नजारों का आनंद लीजिए। पीछे तक पहाड़ी पहाड़ है, इस तरफ है गांव। व्यवस्था मतलब पानी यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आपको पानी मिल जाता पीने वाला। ये पानी थोड़ा वैसा है और इस पानी के अंदर भरमार मछलियाँ हैं। यहाँ हम लोगों को मछलियाँ उचकती हुई दिख रही हैं पानी के अंदर। बताना चाहूँगा मैं, एक आध शॉट मिल जाए ऐसा कुछ। तो इसके अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ सुबह का समय फुदक रही हैं। बहुत बढ़िया जगह है ये, ग्वालियर मेरी सबसे फेवरेट जगह है। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ और पूरी बारिश के हर एक संडे को यहाँ गुजारता हूँ मैं। स्टार्ट करूँ? ये मेरे को बोल रहा है किसके नाम का पत्थर भी तैरता है। मेरे को अपन के नाम का पत्थर तैरता है पानी पे, तुमको देखने का। ये देखा, ये देखा पत्थर तैर रहा है। मेरे को फेंकू? अबे हाँ यार, तैर रहा है। देखा अपन का जलवा, भाई का जलवा। चल भाई, थर्माकोल फेंका है। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए इस तरह की एक वीडियो बना के लेके आऊं। ग्वालियर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हैं जो लोगों को नहीं पता था। काफ़ी वीडियो पड़ी हैं, एक बार जाके उन वीडियो को भी देखिए। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जगह आप लोग पहले घूमे हैं या नहीं, और घूमना चाहते हैं तो जानकारी आपको इस वीडियो मिली गई होगी। आइए, बारिश के टाइम पर ज़रूर आइए, काफ़ी अच्छा जगह रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पिकनिक बनाने। और डेविड भाई आपको मिल ही जाएगा, बारिश के समय हर संडे को मैं पिकनिक बनाने आता ही हूँ मेरे दोस्तों के साथ। पहले आ चुका है यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, जबकि मैं ग्वालियर में बचपन से रह रहा हूँ, मेरा बर्थ प्लेस भी ग्वालियर है, लेकिन आज तक मुझे इस जगह के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन डेविड भाई के कारण आज मुझे इस जगह का पता चला तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ गाइस, अगर आपको भी इस जगह का मजा लेना है तो बारिश में आइएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। बेहतरीन जगह है। और अमित भाई के बारे में जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित भाई भी बहुत बड़े कलाकार हैं, पर हम नहीं कला को सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं। और इंस्टाग्राम पे इनका बढ़िया सा पेज है, उस पे जाइए पेज पे और पेज को फॉलो कीजिए और इनकी सारी रील और वीडियो के मजे लीजिए। और दोस्तों, अमित भाई के पेज के लिए कुछ रील्स तैयार कर लेते हैं, कुछ वीडियो तैयार कर लेते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम और मेरे भाई धीरू के इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं। और ये सारी फोटो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में मिल जाएगी, लिंक से जाइए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, और ये जो रील आज बना रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे मिली जाएगी, आज ही मिल जाएगी। तो यहाँ चाहिए, यहाँ चल रही है रील बनने की तैयारी इंस्टाग्राम के लिए। अमित भाई शूट ले रहे हैं, धीरू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या करना चाह रहा है? मैं तो गिर गया, तू भी गिरेगा क्या? मैं बहुत कर रहा गिरा भाई। डेविड भाई, तुमने जलपरी देखी है? हाँ, तुमको जलपरी दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, देखो देखो, और झुके देखो, और झुके, और झुके, और झुके, देखो 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 देखो। दोस्तों, इंस्टाग्राम के लिए हमारा फोटो शूट हो चुका है, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी अपडेट। और यहाँ के नज़ारे के थोड़े मैं ड्रोन शॉट लूंगा इसी मोबाइल से, देखिए जरा।
हाँ, तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं सुजवाया। ये पीछे गांव दिख रहा है, ये है सुजवाया गांव। तो जितनी भी जानकारी यहाँ की हमें है, जो यहाँ के लोगों से मिली है, वो लोग यही बोलते हैं कि इस एरिए को सुजवाया गांव बोलते हैं। थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो आगे तिगरा है, तिगरा वो मेन रोड से जाते हैं। तो बस हम लोग हमेशा यहीं आते हैं पिकनिक बनाने, बारिश के समय परिवार के साथ आते हैं, अपने दोस्त यारों के साथ आते हैं। जब भी मेरे को बारिश के समय मौका मिलता है मैं यहाँ चले आता हूँ, बहुत सुकून सा मिलता है। अभी थोड़ा गर्मी का समय है तो सूखा सूखा है, आज मौसम अच्छा है तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, इसलिए जब बारिश का समय होता है तो पूरा हरा भरा हो जाता है। ग्वालियर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को उन सब चीज़ों से रूबरू कराना, उन सब चीज़ों को अपने चैनल पर दिखाना। तो उम्मीद आप लोगों से ये करता हूँ कि आज की इस वीडियो को आप अपने दोस्त यारों में ज़रूर शेयर करेंगे और इस जगह के बारे में बताएंगे और मेरे चैनल को अपना प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे। मिलता हूँ अपने भाई लोगों के साथ, क्या कर रहे हैं वो लोग, ये दोनों इंस्टाग्राम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों को भी प्यार दीजिए, भाई लोगों को, अच्छी अच्छी रील बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग निकले थे सुबह घर से 5:30 बजे और अभी बज रहे हैं 9, तो हम लोग अब घर के लिए जा रहे हैं। भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम लैप्स वगैरह जो फोटोग्राफी वगैरह ली थी, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ गई होगी। मिलते जरा इन लोगों से, क्या कर रहे हैं दोनों। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जो भी हम लोगों ने शॉट ली हैं, जो भी फोटोग्राफी ली हैं, वीडियो तो हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी आपको और देख भी ली होगी आपने अभी तक तो। और जो भी हम लोगों ने फोटोग्राफी की है, दोनों भाइयों के इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाके देख लीजिए, अपने पेज की भी लिंक दे रहा हूँ, उस पर भी जाके देख लीजिए। और भाइयों को प्यार दीजिए डेविड ग्वालियर की तरफ से, फॉलो कीजिए इन लोगों के पेज को और मेरे भी पेज को। अगर आप, हाँ अगर आज नए हैं, आज हमारे इस चैनल पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। तो घर आ गया हूँ मैं, नहा लिया, धो लिया है, अब बैठा हूँ थोड़ा शांति से, अच्छा लग रहा है। और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, एरोन की मम्मी आ रही हैं नाश्ता लेके, नाश्ता करते हैं और दिखाता हूँ आज क्या है स्पेशल नाश्ते में। नाश्ते बनाया एरोन की मम्मी ने, सांभर, और ये है नारियल की चटनी, और ये हमारे घर की बनी हुई इडली। थैंक यू, इतनी मेहनत करने के लिए। चलो बाबू जाओ, शुरू आ जाओ। भाई साहब, इडली खाने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे को ये लगता है, इडली उठाओ, इसमें पूरा डिप करो चम्मच से अंदर तक ऐसे, और फिर जायके के साथ खाओ।